तो हे गाइस, क्या हाल चाल हैं। तो आज लेकर आ चुके हैं सीबी एडिटिंग, कुछ इस टाइप की। बैकग्राउंड कितना हाई क्वालिटी में एडिट हुआ है गाइस, देख सकते हो। मैंने इंस्टा पे ये फ़ोटो अपलोड करी थी तो बहुत कमेंट आया था कि भाई ये कैसे एडिट किया है इतना हाई बैकग्राउंड। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। तो गाइस, वीडियो आ चुकी है, देखो आप। फुल एडिटिंग मिलेगी इस वीडियो में वाली, तो सीखो कुछ गाइस। देख सकते हो फेस भी कितना। तो गाइस, थंबनेल देख कर तो वैसे भी आपको लोगों को पता चल गया होगा इस फोटो को एडिट करने वाले हैं हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुँचेगी। तो गाइस, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, होम स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस, आ चुके हैं हम अपने नॉर्मल फ़ोटो पे। तो हमारा नॉर्मल फ़ोटो कुछ इस टाइप का है गाइस, हमने क्लिक किया था इस फ़ोटो को, तो देख सकते हो हम कैसे एडिट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है अपना नॉर्मल फ़ोटो। फ़ोटो ओपन करने के बाद टूल्स पर क्लिक करना है, सिलेक्टिव पर क्लिक करना है, थोड़ी ब्राइटनेस दे देनी है फेस पर अपने। इतना समझ में आ गया होगा गाइस, आशा करते हैं। तो देख सकते हो गाइस, हमने ब्राइटनेस दे दी है। डिटेल्स पर जाना है, कुछ 50% रखना है गाइस। फोटो को सेव कर लेना है। शेयर करने के बाद लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। चलते हैं हम लाइटरूम ऐप के अंदर, आ गए हैं गाइस। तो प्रीसेट मिलेगा गाइस आपको डायरेक्शन बॉक्स में। तो गाइस, हमारा ये रहा फोटो। थ्री डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है, ज्योमेट्री को राइट करना है और डन पे क्लिक करना है। बैक करना है फोटो को, अपने नॉर्मल फोटो पर आना है, थ्री डॉट पर जाना है गाइस। तो ऐसी ये पेस्ट सेटिंग कर देनी। तो देख सकते हो गाइस, हमारा देख सकते हो कितना बढ़िया फोटो एडिट हो गया है गाइस। तो आप सोच रहे होगे भाई, इसने तो हरा बैकग्राउंड दिखाया था, ये तो अलग कलर हो गया। तो गाइस, बने रहो वीडियो में, हरा ही बैकग्राउंड होगा। फोटो को सेव कर लेना है जल्दी से जल्दी। फोटो सेव हो चुका है गाइस, तो शेयर करता हूँ गाइस में। तो गाइस, शेयर हो रहा है फोटो, थोड़ा वेट करते हैं इतने। तो टाइम ले रहा है गाइस ये। फोटो शेयर होने के बाद पिज्जा हार्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है फोटो को। इफेक्ट पर जाना है गाइस, कलर्स पर जाना है और दूसरे तीसरे वाले ऑप्शन पर करना है और बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। तो बैकग्राउंड पे कर लेना है गाइस, बैकग्राउंड लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये हो गया हरा बैकग्राउंड। अब आप कह रहे होगे इनने तो बहुत एचडी बैकग्राउंड दिखाया, तो गाइस ऐसा ही बनेगा, टेंशन मत लो। मैंने सोचा थोड़ी जैकेट पे भी कलर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, इतना होने के बाद फिर इफेक्ट पर जाना है। इरेज पर जाना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। तो गाइस, ये बैकग्राउंड पे पहुंच जाओ। गाइस, इतना करने के बाद फोटो को राइट कलर स्क्रीन पर कर लेना है। डन पे क्लिक करना है, फोटो को डाउनलोड सेव कर लेना है गैलरी में। तो गाइस, सेव हो चुका है हमारा गैलरी में। शेयर करते हैं फोटो को इस फोटो रूम में। तो गाइस, हमारा फोटो हो रहा है। तो गाइस, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है,
बिलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो देख सकते हो गाइस वो भी इरेज हो गया और हमारा बैकग्राउंड भी बढ़िया हो गया, जैसा दिखाया था ऐसा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है हमारा। तो गाइस थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं, अच्छा और कर लेते हैं फोटो को, कलर्स कंट्रास्ट पर जाना है और इसे 8+ कर देना है। फोटो को शेयर कर लेना है पिज्जा हट एप्लीकेशन में दोबारा से, तो इसे इरेज करना है। फोटो रूम जो लिखा हुआ है, ऐड फोटो पर आना है, बैक वही अपना फोटो ले लेना है। तो देख सकते हो गाइस हो गया ना, हो गया फोटो। फिर ऐड फोटो पर जाना है, तो गाइस ये डायरेक्शन बॉक्स में PNG मिल जाएगी आपको, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ लगानी है इस PNG को। तो स्क्रीन करते हैं जल्दी गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। स्क्रीन हो गया है गाइस, स्क्रीन करने के बाद अपने फेस पर ये हटा लेना है, बैकग्राउंड पर रहने देना है। इतना समझ में आ गया होगा आशा करते हैं गाइस। तो गाइस जैसे कि मैंने इरेज कर लिया है अपने फेस पे से, गाइस आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इस बारे में बता बोल नहीं रहा हूँ ज़्यादा। तो गाइस हेयर PNG भी मिल जाएगी आपको, देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है यार। जैसे कि गाइस हम कर रहे हैं ऐसे ही आप लोगों को कर लेना है, तो देख सकते हो हेयर। बस डन पे क्लिक कर देना, फिर राइट डन पे क्लिक कर देना, ऐड फोटो पर जाना है, एक और PNG ले लेनी है। तो गाइस इसे स्क्रीन कर लेना और यहाँ लगा देना है। ये सारी PNG आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यू को थोड़ा प्लस रखना है, स्टैंड को लाइट PNG ले लेनी है, स्क्रीन करना है और यहाँ गाइस लगा देना है, बैकग्राउंड पर कर देना है। स्क्रीन पर फिर दोबारा ले लेनी है, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद लेंस लगाते हैं गाइस, आइस लेंस।
इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। सिलेक्टर पर जाना है, थोड़ी ब्राइटनेस फेस पर बढ़ा लेनी है। ठीक है गाइस, और बढ़ा लेनी है। फोटो थोड़ा ब्लैक हो रहा है अपना, स्मूथ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। डिटेल्स को भी थोड़ा बढ़ा लेना है 100%। तो देख सकते हो गाइस कैसा हो गया फोटो हमारा HD में, जैसा बता थंबनेल में दिखाते हैं गाइस ऐसा ही एडिट करके दिखाएंगे। फोटो स्केचबुक में ओपन कर लेना है फोटो, और गाइस स्केच स्मूथ करके दिखाते हैं फोटो को। ब्रश ले लेनी है, जूम करके फोटो स्मूथ करना है। तो गाइस थोड़ा ही दिखाएंगे स्मूथ करके, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, देख सकते हो कितना अच्छा स्मूथ हो रहा है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ चलानी है ब्रश। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।